शंकराचार्य को। शुक्राचार्य ने कहा तू मेरे सामने पंडित बनता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, चराज भ्रष्ट से श्रिया सृजीन होगा। अब तो महाराज इधर वामन भगवान, वामन भगवान बलि से कहने लगे, बलि ऐसा है अगर आपको दान करना है तो ठीक है, नहीं तो हम चले, इतना देर तक हम इंतजार नहीं कर सकते, कहीं किसी से किसी और से हम मांग लेंगे, भिक्षा ही मांगनी है तो कहीं और चले जाएंगे। मतलब आपको अगर देना हो तो बताओ, नहीं देना हो तो बताओ, अगर देना है तो शीघ्रता करिए, वार्तालाप में व्यर्थ समय मत जाने दीजिए। महाराज बलि ने कहा सरकार आप तीन जगह भूमि नाम लीजिए, ऐसे नहीं पहले संकल्प करो। अब तो सरकार कमंडलों से जल हाथ पर डालते रहे, वामन भगवान और संकल्प बढ़ रहे हैं, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा ने श्री पुराण पुरुषोत्तम से श्री विष्णु वर्तमान से संकल्प पढ़ते चले गए। और जब संकल्प पढ़ रहे महाराज तो बीच में जल की धारा बंद हो गई, धीरे धीरे जल आने लगा। शुक्राचार्य जाकर के उसे क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया, छोटा सा रूप लेकर के क्षेत्र में गया और जल को रोकने का प्रयत्न किया। बलि ने कहा प्रभु जल तो आना बंद हो गया। वामन भगवान तो सब कुछ जानते ही थे, वामन भगवान ने कहा तनिक रुको, एक क्षण रुको, जल फिर से आना प्रारंभ हो जाएगा। एक पूछा लिए महाराज और क्षेत्र में जैसे ही डाले शुक्राचार्य को एक नयन कर दिए, एक आंख फोड़ दिए कुशा से। बोले भक्त चल मानो भगवान ये कहना चाहते होंगे शुक्राचार्य तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि तो बहुत तेज है लेकिन तुम्हारे वैराग्य की दृष्टि में मोह का मोतिया बिंद हो गया है, इसलिए इस आग को फोड़ना अति आवश्यक है। अब एक नयन हो गए शुक्राचार्य महाराज, संकल्प पूरा हुआ। अब तीन रग भूमि भगवान नापने के लिए विराट रूप धारण कर लिए। बोले विराट भगवान की देव भगवान कहते हैं कि जामवंत जी आकर के विराट भगवान की परिक्रमा की और महाराज जैसे ही भगवान विराट रूप धारण किए ते सर्वे वामन महंतु शूलपट्टी से पाणयः। वामन भगवान जैसे विराट रूप धारण किए प्यारे कहते हैं कि बलि के सारे सैनिक आक्रमण कर दिए, भगवान को मारने को उद्यत हुए, बलि तुरंत इशारा कर दिया ऐसा है अभी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है इसलिए युद्ध करना हमारे हित में नहीं होगा क्योंकि गुरुदेव हमको साथ लेकर के चले गए हैं श्रीहीन होने का, इसलिए अभी युद्ध करना उचित नहीं है, हमारे हित में नहीं होगा। कहते महाराज बलि जब समझाए तो सैनिक रुक गए और एक डग में संपूर्ण धरती को नाप लिए। परम प्रभु विराट रूप भगवान एक पग में पूरी धरती को नाप लिए और दूसरा डग आकाश मंडल की तरफ बढ़ाए तो ब्रह्मांड से एक छिद्र हुआ और उस छिद्र से एक चिन्मयी धारा निकली, भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित करते हुए नीचे की तरफ जब गिरने लगी तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में उस धारा को रोक लिया और ब्रह्मा जी के कमंडलों से वो धारा सप्तर्षिलोक होकर के ध्रुव लोग होकर के स्वर्ग में आकर के गिरी और स्वर्ग में आई तो तीन रूपों में परिणत हुई, सी अलकनंदा चक्षु भद्रा। अलकनंदा नामक जो धारा थी वही धारा स्वर्ग से होकर के गोमुख से निकली और संपूर्ण पृथ्वी को परिप्लावित करती हुई सागर में जाकर के मिली। बोले गंगे मातु की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। इधर महाराज दो डग में तीनों लोगों को नाप लिए भगवान, तीसरा तो रखे कहां रखे, बंदी बना लिए बलि को, बलि को डांटने लगे, अब क्या रह गया तेरे पास, तीसरा पग में रखो कहां। बलि हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहता है कि पदम तृतीयम गुरु श्रेष्ठम है, प्रभु अभी तो आपने सिर्फ हमारी संपदाओं को नापे हैं,
दादा तो अभी बाकी है महाराज, आप तीसरा पग सिर पर धारण कर लीजिए, तीसरा पग हमारे सिर पर रख लीजिए। सरकार कहते हैं बलि का ऐसा सुंदर भाव देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उसके सिर पर रखे और प्रसन्न हुए भगवान बलि पर, बलि को आशीर्वाद दिए, मुस्कुराए भगवान। भगवान ने कहा बलि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। बलि की पत्नी महाराज हाथ जोड़ करके विराट भगवान के सामने आई और कहने लगे प्रभु क्रीडार्थमात्मन इदं ब्रजगत कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कृधियो परहीश कुरयोः। महाराज ये संसार सारा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है और हमारे स्वामी इस संसार को अपना समझ बैठे थे, यही भूल कर दिए थे सरकार, आप क्षमा करें। भगवान सुंदर भाव देख करके बहुत प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी अगर मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ तो सर्वप्रथम उनकी वही वस्तु छीनता हूँ जो उनके लिए सबसे प्यारी होती है, जो उनकी सबसे प्रिय वस्तु होती है वही मैं उनसे छीनता हूँ। एक पंडित जी बहुत पूजा करते थे, भगवान में बड़ी श्रद्धा थी, बहुत भक्ति थी, बड़ा सुंदर भाव होता था। उनका एक पुत्र था, किसी कारण पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। पंडित जी पूरा पूजा पाठ छोड़ दिया, जो भी भगवान की बात करता तो पंडित जी कहते धरती पर भगवान नहीं है, कोई भक्ति नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई भगवान। जो पंडित जी पूजन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, वही पंडित जी महान नास्तिक हो गए। एक संत मिले, संत ने समझाया देखिए जो आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कितनी भी आप पूजा करो, जो प्रारब्ध में लिखा है उसका प्रायश्चित तो आपको निश्चित रूप से करना है। हम लोग जो पूजा करते हैं हमारा पाप तो क्षय होता ही है, हमारा अगला जन्म सुधरता है, पूर्व जन्म में जो हमने किया है उसका प्रायश्चित तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आपकी पूजा से और पुत्र के मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, आप पूजन करो, आपको पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को बहुत समझाए, ब्राह्मण देवता मान मान, बात समझ में आ गई। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी जो प्रिय वस्तु सबसे प्रिय वस्तु होती है मैं उससे वही पहले छेदता हूं। ब्रह्मन यमुन गृहिणामि तद विशो विधिनोम्यहम् येन मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम् आचावमन्यते। और उसके पश्चात भी जो हमारा भजन करता है, नाम का स्मरण करता है, अपने हृदय को पवित्र रखता है, वो हमारे लिए परम प्रिय होता है। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। Oh,
कृष्ण लाल की जय। आज विराट भगवान इतना प्रसन्न हो गए बलि के ऊपर, बलि को आशीर्वाद दिए, बलि को बोले तुम सुतल लोक के राजा बनोगे और अगले मनमंत्र के तुम्हें इंद्र बनोगे, ये हमारा आशीर्वाद है। अब बताओ बलि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, कोई वर मांगो। बलि ने कहा हमारा आग की दिव्य सजा को देख करके हम इतना प्रसन्न हुए, मनमुग्ध हो गए कि अब आपके इस प्यारी झांकी को देखने का बार बार मन कर रहा है। मेरा जी तो करता है कि आपका ऐसे ही दर्शन करता रहा। सदा सन्निहितं मेरा तत्र मां दृश्यते भवान्। आप हमें ऐसे ही दर्शन प्रदान करते रहिए, यही कृपा हम पर कर दीजिए बस। अब तो महाराज भगवान तो कहते ही हैं कि हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के सदा सर्वदा अधीन हूं। भक्त जिस रूप में जब चाहता है मुझे उस रूप में तब आना पड़ता है, और भगवान आते हैं भक्तों की लाज बचाने के लिए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। अब महाराज सुतल लोक के राजा बने महाराज बलि। बलि जब राजा बने सुतल लोक के, तो गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि सुतल लोक में जो महल था बलि का, उसमें 52 दरवाजे थे। अब महाराज बलि ने वर में मांगा कि भगवान जिस दरवाजे से मैं बाहर निकलूं सर्वप्रथम आपका दर्शन करूं। सरकार 52 दरवाजे हैं, तो भगवान परेशान हो गए, ना जाने बलि किस दरवाजे से कब निकल आवे। हर समय भगवान हर दरवाजे पर भ्रमण करते रहते, दौड़ते रहते, भागते रहते, किस दरवाजे से बलि निकल पड़े कुछ पता नहीं है, और हमें दर्शन प्रदान करना है। भगवान थक जाते महाराज, लेकिन फिर भी भागते रहते। नारद जी से प्रभु का ये कष्ट देखा नहीं गया। नारद जी गए महाराज लक्ष्मी जी के पास, और लक्ष्मी मैया से सारे कथा व्यथा बतलाए, भगवान के दुख को बतलाए। भगवान भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो गए कि परेशान है 52 दरवाजे को टहलते टहलते थक जाते। लक्ष्मी मैया आई और बलि को रक्षा बंधन करके भाई मान करके, और उसके बदले में परम प्रभु को अपने साथ लेकर के गई वैकुंठ धाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि सत्य व्रत मनो की रक्षा करने के लिए भगवान एक बार मत्स्य अवतार धारण किए। बोले मत्स्य रूप भगवान की जय हो। जय राधा जय।